स्वागत है आपका, मैं हूं इंद्रजीत कौर। सबसे पहले बात करते हैं रोशनी के त्योहार दीपावली की। हिमाचल प्रदेश में दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। शिमला समेत प्रदेश के दूसरे इलाकों में दिवाली की धूम मची हुई है। बाजार सच कर तैयार हैं और आज भी बाजारों में दिवाली की खरीद के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर सारे हिमाचल वासियों को अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली जो है वो सारे प्रदेश के अंदर और सारे प्रदेश के जनों के लिए खुशहाली लाए और समृद्धि लाए और प्रदेश जो है तेजी के साथ आगे बढ़े। तो हिमाचल प्रदेश में भी दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। मोहित, आखिर दिवाली की रौनक किस तरह से जो है बाजारों में देखने को मिल रही है शिमला में? देखिए, जो दिवाली की रौनक है वो हर साल ही शिमला में देखने को मिलती है। खासतौर पर यहाँ के जो मुख्य बाजार हैं, लोअर बाजार है, मिडिल बाजार है और मॉल रोड है, इन इलाकों में, क्योंकि मुख्य बाजार हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिमला से नहीं बल्कि आसपास से भी बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। खासतौर पर दियों का जो त्योहार होता है दिवाली, इसके लिए अलग अलग तरह के जो सामान बाजार में उपलब्ध है उनके लिए सुबह से लेकर के शाम तक भीड़ जुटी रहती है। तो कुल मिलाकर के उत्साह जो है दिवाली को लेकर खासा है शिमला के लोगों में और हिमाचल के लोगों में। जी मोहित, दियों की तो आपने बात की, लेकिन इसी के साथ जो दिवाली है वो रोशनी का त्योहार तो है ही, मिठाइयों का त्योहार भी है। तो किस तरह की मिठाइयां जो है इस बार बाजारों में देखने को मिल रही हैं, लोग कितनी खरीदारी कर रहे हैं? देखिए, मिठाइयों की इस बार जमकर खरीदारी की जा रही है। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया था कि जो चॉकलेट्स और बिस्किट्स हैं इनकी खरीदारी, जो गिफ्ट्स हैं वो ज्यादा दी जाती थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं लोग मिठाइयों की तरफ रुझान एक बार फिर से बढ़ा है। और जो मिठाई व्यापारी जो काफी चिंतित थे कि क्या दीपावली पर भी जो उनकी बिक्री नहीं हो रही थी, तो अब जो है थोड़ा सा लोगों का जो कह सकते हैं कि टेस्ट जो बिगड़ा है उसके बाद जमकर मिठाइयों की भी खरीदारी की जा रही है। और साथ ही और भी जो मिष्ठान है, मिष्ठानों में नई से नई जो है वैरायटी देखी जा रही है। खासतौर पर एक पहाड़ी वैरायटी मेहसू जो है वो खासतौर पर इस दिवाली को इंट्रोड्यूस किया गया है और लोग उसकी भी जमकर जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। और ऐसे ही कई और व्यंजन भी हैं मिठाइयों के साथ साथ जिनकी लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के समय जब पूजन होता है, पारंपरिक पूजन किया जाता है, तो उस समय मंदिर में जहां पर पूजा स्थल होता है वहां मिठाइयां भी रखी जाती हैं और उसका भोग जो है वो भगवान को लगाया जाता है और खासतौर पर लक्ष्मी माता को लगाया जाता है। तो इस बार जो है कोई कोताही जो है वो नहीं की जा रही है, खासतौर पर मिठाइयों की खरीदारी के लिए। जी बिल्कुल मोहित, हम भी चाहते हैं कि ये दीपावली इस बार सबके जीवन में रोशनी और मिठास लेकर आए, लेकिन इस मिठास में शायद थोड़ा सा खटास का काम इस बार महंगाई भी कर रही है, उस पर भी बात करेंगे और मौसम पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी के साथ हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी इस बार सिख समुदाय दीपावली नहीं मनाएगा। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के चलते प्रदेश के सिखों ने काली दिवाली मनाने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के सिखों ने इस बार काली दिवाली मनाने का फैसला किया है। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से नाराज सिखों ने शिमला के गुरुद्वारा में बैठक कर ये फैसला लिया। बैठक में निर्णय हुआ कि सिख समुदाय दीपावली पर ना तो गुरुद्वारों को सजाएंगे और ना ही दीप जलाए जाएंगे। फैसला लिया है कि इस बार दिवाली को काले के रूप में मनाया जाएगा और सिख समुदाय ना कोई इसमें दीपमाला करेगा, ना कोई गिफ्ट का आदान प्रदान करेगा और ना ही कैंडल्स वगैरह अपने और ना आतिशबाजी चलाएगा। इसके अलावा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से प्रदेश के सभी गुरुद्वारा प्रबंधकों को पत्र लिखकर दीपावली ना बनाने की अपील की गई है। साथ ही सिखों ने पंजाब की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। पंजाब सरकार सुचेत होती तो ऐसे काम ना होते। जैसे कि आपने देखा कि जैसे जब ये गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की गई है उस टाइम हमारे प्रचारक और सिख संगत जो कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रही थी उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, उनमें दो सिंह शहीद हुए और कहीं लोग जख्मी हुए, वो बड़ा निंदनीय कार्य था। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी से नाराज सिख समुदाय काफी आहत है। सिखों की मांग है कि जिसने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया शिमला।
ना छोटी दिवाली है। शिमला में भी दीपावली के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी लोगों में खासा उत्साह है। बाजारों में लोगों की रौनक भी खूब है, दुकानें भी वैसी ही सजी हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है तो वो है मिट्टी के दियो की जगह लोगों का चाइनीज दियो की तरफ बढ़ता क्रेज। दीपावली पवित्रता और रोशनी का त्योहार है, लेकिन इस बार शिमला में दिवाली की इस रोशनी का अंदाज बदलता दिख रहा है। शहर के बाजार जहां एक जमाने में मिट्टी के दियों से रोशन होते थे, अब वही बाजार मिट्टी के पारंपरिक दियों की जगह चाइनीज दियों से जगमगाते दिख रहे हैं। दिवाली के मौके पर सजी दियों की दुकानों में तो लोगों की भीड़ है, लेकिन मिट्टी की दुकानें लगाए व्यवसायी ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। मिट्टी के दिए बहुत कम बिक रहे हैं, चाइनीज दिए के 40 दिए ज्यादा बिक रहे हैं। फैंसी के लिए इसलिए ज्यादा आकर फैंसी टाइम है, इसलिए वही बिक रहे हैं आजकल। मिट्टी के दिए बहुत कम बिक रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। चाइनीज दियों के लिए लोगों का बढ़ता क्रेज उसकी बेशुमार वैरायटी और नया लुक है। चमकीले रंगों के ये दिए बाजार में आने वाले हर खरीदार को भा रहे हैं। उसमें वैरायटी बहुत है और अच्छी क्वालिटी का, लोगों की डिमांड ज्यादा है और इंडियन दिए की कम है। वैरायटीज के साथ साथ इन दियों की कीमत 150 रुपए से 500 रुपए तक है। बावजूद इसके लोग इस दिवाली अपनी जेब ढीली करने से भी नहीं रुक रहे। महंगे है चाहे जैसे भी है, जब लेने हैं तो दिवाली तो साल में एक बार ही आती है दिवाली। महंगे है चाहे सस्ते है जैसे भी है, लेने तो है ही। मिट्टी के दिए तो नहीं करेंगे यूज, बहुत कम करेंगे। अलग अलग डिजाइन के आए हुए मोम के दिए करेंगे। चाइनीज है मगर अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, इसलिए हम बोलेंगे। घरों को रोशन कर रहे ये चाइनीज दिए भले ही लोगों की दिवाली को जगमगा रहे हों, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपरा की पहचान मिट्टी के दियों की चमक और उनके कारीगरों की मेहनत पर अंधेरा छाता जा रहा है। मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर मायूस हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से मिट्टी के दिए खरीदने की अपील ही उनकी आखिरी आशा की किरण है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं हमीरपुर से बीजेपी सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर हमीरपुर पहुंचे और हमीरपुर बाजार में लोगों को दीपावली की बधाई दी। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एचपीसीए को लेकर कांग्रेस सिर्फ हल्ला कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आए दिन पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की संपत्ति की जांच की बात कहती है, जबकि खुद धूमल जी ने तीनों मुख्यमंत्रियों की संपत्ति जांच की मांग की है। पिछले 10 वर्षों से बेतुकी बयानबाजी करती रही है और कांग्रेस के पास केवल बयानबाजी करने का ही अधिकार है। हमने क्रिकेट चलाई है, आगे बढ़ाई है और अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी हिमाचल ने प्राप्त की है। धूमल जी ने तो प्रधानमंत्री जी को लिख कर दिया था कि तीनों मुख्यमंत्रियों की, जो पूर्व में दो रहे और अब के मुख्यमंत्री की भी जांच करवानी चाहिए। केवल धूमल जी ने कहा, बाकी दो मुकर गए। और अब बात मौसम की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। मनाली समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। मनाली में भी तेज बारिश हुई है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से रोहतांग दर्रे पर सैलानियों और वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने गुलाबा चेक पोस्ट बैरियर से रोहतांग की ओर जाने वाले वाहनों को बैन कर दिया है। तो हिमाचल में बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन इस वजह से परेशान आम लोग हो रहे हैं क्योंकि रोहतांग दर्रे पर सैलानियों और वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने गुलाबा चेक पोस्ट बैरियर से रोहतांग की ओर जाने वाले वाहनों को बैन कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है, वाहनों पर पाबंदी आखिर क्यों लगानी पड़ी है? इंद्रजीत, इस वक्त जो मनाली में सुबह से ही भारी बारिश चल रही है और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते प्रशासन ने
रोहतांग में जितनी भी आवाजाही होती है सैलानियों और वाहनों की वो बंद कर दी, क्योंकि इंद्रजीत पहले भी बर्फबारी के बाद काफी सारे सैलानी फंसते हैं, इस तरह की घटना सामने आती रही है, लेकिन इस बार जो है प्रशासन ने कोई भी रिस्क नहीं लेना ये तय किया है, क्योंकि जैसे ही बर्फबारी होती है तो सैलानी रोहतांग की तरफ जाते हैं, लेकिन इस बार जो है बर्फबारी के चलते इस वक्त गुलाबा में ही उन्हें रोका जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर प्रशासन ने हिदायत दे दी है कि जैसे ही मौसम साफ होगा तब भी रोहतांग सैलानी नहीं जा पाएगा, उन्हें सिर्फ मढ़ी तक जाने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि जो मौसम है रोहतांग का वो घंटे दर घंटे बदलता रहता है, लेकिन सैलानियों की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो प्रशासन का बनता है, इसके मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। संदीप, यानी कि ये माना जाए कि स्थिति अभी नियंत्रण में है और आने वाले दिनों में भी नियंत्रण में रहे, इसीलिए ये फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल इंद्रजीत, क्योंकि पिछले कुछ सालों की अगर बात कर लें तो हर साल सैलानी इसी तरह ताजा बर्फबारी में रोहतांग की तरफ जाता है और वहां फंसता रहा है, उनकी लाइफ रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन इस बार जो प्रशासन ने पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पहले से ही हिदायत देना शुरू कर दी है, और पहले से ही प्रशासन ने एहतियात ले ली है, और इसी वजह से रोहतांग दर्रे पर सैलानी और वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मनाली में बारिश की दस्तक ने बाजारों की रौनक गायब कर दी है। मौसम का मिजाज बदला तो दीपावली पर ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई। मनाली में दिवाली को लेकर माल रोड और उसके आसपास की मार्केट की दुकानें सज चुकी हैं। लेकिन मौसम के बिगड़ैल मिजाज ने मजाक किरकिरा कर दिया है। बारिश के चलते बाजारों में खरीदारों की संख्या अचानक कम हो गई है। वहीं इस मर्तबा अच्छी सेल की उम्मीद लगाए दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। जी दिवाली को लेकर तो हमारी तैयारियां बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ऐसा है कि मौसम की थोड़ी मेन वजह मौसम की हो गई है। मौसम की बहुत बड़ी मार पड़ी है हमारे ऊपर और सामान हमारे पास पूरा है, लेकिन ग्राहक जो है ग्राहकों की आवाजाही कम होने की वजह से हमारे मतलब काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना। दरअसल इस बार दुकानदारों को अच्छे कारोबार की काफी उम्मीद थी। दुकानदारों ने दुकानों को काफी सजा रखा था, अच्छा खासा माल डाला हुआ था, लेकिन मौसम ने खलल डाल दिया। हालांकि दुकानदारों को ये भी उम्मीद है कि मौसम के साफ होते ही खरीदारों की संख्या में इजाफा होगा। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। वहीं डलहौजी में भी बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डलहौजी में बारिश के साथ साथ चंबा जिले के ऊंचे पहाड़ों जैसे भरमौर, पांगी, बैरागढ़ और भंजरारू पर जोरदार हिमपात हो रहा है। बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि नवंबर महीने में ऐसी ठंड पहले कभी नहीं पड़ी। ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। बस डलहौजी में बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी काफी बढ़ चुकी है। इस नवंबर महीने में इतनी ठंड हमने कभी देखी नहीं है। काम करने में बहुत परेशानी आ रही है और ठंड बहुत बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर खराब मौसम के चलते प्रशासन ने रोहतांग दर्रा सैलानियों और वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। देखिए मौसम को देखते हुए सारा ट्रैफिक जो रोहतांग रोड पे जा रहा था सभी को रोक दिया गया है, और वैसे भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मौसम को देखते हुए उन्हें आगे जाने दिया जाए। मौसम क्लियर होता भी है तो भी ये देखा जाएगा कि कहीं गाड़ियां रास्ते में स्किड तो नहीं कर रही। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते राजधानी शिमला समेत कई जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही प्रशासन ने सैलानियों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाने की हिदायत दी है। डलहौजी से मंजूर अहमद के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। तो कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल कैसा है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा शिमला से जुड़े हुए हैं। मोहित, तो मौसम लगातार बदल रहा है, ठंड में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बारिश और बर्फबारी से हिमाचल के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? देखिए इंद्रजीत, जो हिमपात है वो कहीं ना कहीं जो ऊपरी इलाके हैं जिसमें लाहौल स्पीति जिला आता है और चंबा,
कुल्लू का ऊपरी जिला, कुल्लू जिला का ऊपरी इलाका आता है और साथ ही मंडी जिला और सिरमौर जिला, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर ऊंचाई वाली चोटियां जो है वहां पर हिमपात आज भी हुआ है और जो प्रभावित हैं इसमें वो वहीं पर जो आसपास रहने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा प्रभावित वो होते हैं, क्योंकि जब हिमपात होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो मार्ग हैं वो जो है वो बंद हो जाते हैं, वाहनों की आवाजाही जो है वो रुक जाती है और ऐसे में जो जरूरत का सामान होता है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा हिमपात इन इलाकों में नहीं हो रहा है लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि नवंबर माह के जो अंत है उसमें हिमपात जो है वो ज्यादा हो सकता है, तो उस दौरान जो है खासतौर पर तब जो ज्यादा दिक्कतें आती हैं और पेयजल व्यवस्था और बिजली व्यवस्था पर इसका सीधा प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जो ऐसी ऊंचाई वाले इलाकों में जो लोग रहने वाले होते हैं सबसे ज्यादा जो ठंड का प्रभाव अगर पड़ता है तो इन लोगों पर पड़ता है। दूसरी तरफ जो है बाकी अगर पूरे राज्य की बात कर ली जाए तो जैसे ही ठंड का आगाज होता है तो स्थानीय लोगों के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी हो जाती है, क्योंकि रोजमर्रा का जो काम है उसे निपटाने में दिक्कतें आती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो इसे पर्यटन विकास को जो है वो बढ़ावा मिलता है, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सैलानियों का आगमन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो पर्यटक स्थल है वहां पर होना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ सेब पर जो है वो डिपेंडेंट है हिमाचल और दूसरी तरफ एक पर्यटन इंडस्ट्री यहां पर कहा जाता है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पर्यटन से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायियों को फायदा होता है, हिमाचल प्रदेश राज्य को फायदा होता है और वित्तीय जो हालत है स्थिति है उसमें भी सुधार होता है। तो कुल मिलाकर के अब जो आने वाले 2 या 3 महीने हैं इसमें जिस तरह से ठंड बढ़ती रहेगी तो एक तरफ स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है तो दूसरी तरफ सैलानी जो है वो इस ठंड का जमकर लुत्फ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश आते हैं। बिल्कुल मोहित, तो ठंड में इजाफा जैसे जैसे हो रहा है तो मुस्कुराहट सैलानियों की और व्यापारियों के चेहरे पर जरूर पड़ेगी लेकिन शायद स्थानीय लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंबा पुलिस ने एक अभियान के तहत चंबा तीसा रोड पर करीब 6 किलो चरस बरामद की है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, दोनों आरोपी मधुवाड़ से चंबा की ओर पैदल जा रहे थे। पुलिस ने जसौरगढ़ चौक के पास नाकेबंदी कर रखी थी, इन्हें शक के आधार पर रोका गया और तलाशी के दौरान उनसे 6 किलो चरस बरामद हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिव शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। शिव, आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले, आखिर पुलिस ने किस तरह से ये कामयाबी हासिल की है और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? हाँ जी, यहाँ पे जो पुलिस की थी इस साल की अंतिम दौर में ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ये जो लोग थे ये स्थानीय वहीं के लोग हैं, जो पुलिस ने भी यही हमें बताया है कि ये जो चंबा ही ला रहे थे चर्च को भी चंबा ही की कहीं किसी स्थान पर बेचा जाना था, पर अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग किसको ये आगे सप्लाई करने जा रहे थे। अब इसके लिए जो जिला पुलिस है, जिला पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने ये पूरी होगी, हम इन तथ्य पर गहराई तक जाएंगे और उन बड़ी मछलियों को काबू किया जाएगा जो कि इस संडे में जो नौजवान युवक है जो संडे में संलिप्त होते जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। जी जी शिव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो 6 किलो चरस बरामद की गई है चंबा तीसा रोड पर और 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन ये चरस कहाँ सप्लाई की जा रही थी, किससे खरीदी गई थी, इस बारे में अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन अभी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप किसी भी तरह की जानकारी हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.sl.com। इसी के साथ ही आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं zpunjab.com पर। आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं @zpunjab#zphs पर। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दे, धन्यवाद।